शायराना गुफ्तगू का सिलसिला। शायराना गुफ्तगू का सिलसिला एपिसोड 2 के लिए हाजिर हूं मैं अमिता परशुराम और आप सबका इस्तकबाल करती हूं। पहले एपिसोड के लिए आप सबकी बहुत से मैसेज आए, बहुत अच्छा फीडबैक मिला, आपने उसे पसंद किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कहानियां हम सबको अच्छी लगती हैं और इस बात का सबूत है फिल्मों और टीवी सीरियल्स की मकबूलियत। जब हम छोटे थे तो कहानियां हम तक किताबों के जरिए पहुंचती थी। उन दिनों बहुत सारी किताबों में कहानी के बाद मॉरल ऑफ द स्टोरी दिया जाता था, यानी एक सीख होती थी। मेरे वालिद ने जिस तरह हमारी परवरिश की उसमें ऐसी कहानियां जो जिंदगी के बारे में कुछ सिखाती थी हमेशा शामिल की। जो भी सीख, नसीहत या मॉरल मैसेज वो कहानी हम तक पहुंचाती थी उस पर हमारे बीच लंबी बातचीत होती थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायरी में भी ऐसी ही नसीहतों, मॉरल मैसेजेस का खजाना है। शायरी एक ऐसा समंदर है जिसमें डूबकर तरह तरह के गौहर सबक की शक्ल में हमें मिलते हैं। आज की गुफ्तगू रिश्तों से जुड़ी कुछ नसीहतें, कुछ सबक शायरी के जरिए आप तक। तो आइए शुरू करते हैं फराज साहब के एक शेर के साथ। अहमद फराज साहब कहते हैं, आंख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। ये शेर सुनकर मेरे दिल में कई सवाल उठते हैं। क्या आंख से दूर होना दिल से उतरने के लिए काफी है? क्या मोहब्बत गुर्बतों की मोहताज है? What about long distance relationships? क्या राय है दानिश्वरों की? अंग्रेजी की कहावतें अक्सर आपस में टकराती हैं और हमें और भी कंफ्यूज कर देती हैं। एक तरफ हम सुनते हैं familiarity breeds contempt, या फिर distance makes heart grow fonder, यानी के दूरियां रिश्तों के लिए मुफीद हैं। मुमताज राशिद साहब की कुछ ऐसी ही सोच उनके एक शेर में नजर आती है। वो कहते हैं, फासलों से गुरेज क्या करना, फासले गुर्बतें बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ हम सुनते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी के किसी के दिलो दिमाग पर छाए रहने के लिए नजदीकियां जरूरी हैं, उसका नजर के सामने होना जरूरी है। रिश्तों का एक और सच हमारा कंफ्यूजन और भी बढ़ा देता है। कभी कभी पास होकर भी लोग दूरी महसूस करते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे एक शेर में नजर आता है। शेर पेश है, मेरे हम सफर मेरी जाने जा कहूं और क्या, तेरी कुर्बतों में है दूरियां कहूं और क्या। जानिसार अख्तर साहब कहते हैं, मैं तेरी याद में गुम हो सका न तू मुझ में, मैं तेरी याद में गुम हो सका न तू मुझ में, बहुत करीब थे हम फिर भी फासला तो रहा। बखौल जॉनेलिया, बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है। या फिर, तुम हो पहलू में पर करार नहीं, यानी ऐसा है जैसे फुरकत हो। फिराक गुरुपुरी साहब का एक बहुत उम्दा शेर इस कैफियत को बेहद खूबसूरत अंदाज से अदा करता है। वो कहते हैं, तेरे पहलू में क्यों होता है महसूस कि तुझसे दूर होता जा रहा हूं।
सितारों से उलझता जा रहा हूँ, शबे फुरकत बहुत घबरा रहा हूँ। मोहब्बत अब मोहब्बत हो चली है, तुझे कुछ भूलता सा जा रहा हूँ। तेरे पहलू में क्यों होता है महसूस कि तुझसे दूर होता जा रहा हूँ। यानी कि किसी का पास होना ये तय नहीं करता कि वो साथ भी हो। फैज अहमद फैज साहब का एक शेर, जुदा थे हम तो मयसर थी गुर्बतें कितनी, जुदा थे हम तो मयसर थी गुर्बतें कितनी, बहम हुए तो पड़ी हैं जुदाइयां क्या क्या। या फिर मोमिन साहब का ये शेर, थी वस्ल में भी फिक्र जुदाई तमाम शब, थी वस्ल में भी फिक्र जुदाई तमाम शब, वो आए तो भी नींद न आई तमाम शब। ऐसी नजदीकियां जिसमें कोई शख्स सिक्योर ना फील करे, उसे तहफ्फुज महसूस ना हो, हमेशा हर पल जुदाई की फिक्र सताती रहे, उन नजदीकियों का क्या फायदा। तो सवाल फिर एक बार उठाती हूं कि मोहब्बत के रिश्तों में, प्यार के रिश्तों में दूरियों और नजदीकियों का सच क्या है। ये तो तय है साहब कि मोहब्बत तो बस हो जाती है, की नहीं जाती, मगर मोहब्बत के रिश्ते को निभाना एक अलग बात है। इसे तो नर्चर करना पड़ता है, सींचना पड़ता है। खोखली बातें, खोखले अल्फाज मोहब्बत को सींचने का काम नहीं करते। उसके लिए तो जरूरत है अमाल की, यानी कि हम किसी रिश्ते के लिए क्या कर सकते हैं। दुख दर्द बांटने के लिए, कामों में हाथ बटाने के लिए, किसी के दिल का हाल समझने के लिए हम कितने अवेलेबल हैं। अगर मोहब्बत की कामयाबी सिर्फ लफ्जों पर टिकी होती तो जनाब सबसे कामयाब होते शायर, राइटर। और जिस दौर में हम जी रहे हैं, रिश्तों को सिर्फ लफ्जों के सहारे ही तो निभाया जा रहा है ना। What with the WhatsApp, Insta, Twitter, etc. हर कोई हर वक्त अल्फाज का तोहफा भेजता रहता है। न तो इसमें कोई पैसा खर्च होता है और ना ही पेशेंस की जरूरत है। हाय क्या हसीन जमाने याद आ रहे हैं मुझे। कबूतर आशिक का पैगाम लेकर जाते थे और फिर वो डाकिया जो डाक लाता था, बेसब्री से जिसका इंतजार रहता था, भाग भाग कर दरवाजे तक जाना और पूछना, भैया मेरी कोई चिट्ठी आई। मगर सच तो ये है कि इतने सारे लफ्जों का लेन देन जो हो रहा है आज, उससे मोहब्बतों में आता जवाल तो नहीं रुका। तो आइए फराज साहब के शेर को फिर एक बार देखते हैं। उस शेर का एक टुकड़ा, आंख से दूर ना हो, क्या कह रहा है। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि महबूब का नजर के सामने होना मोहब्बत के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अगर ऐसा भी है तो उसमें भी कोई मुश्किल नहीं, आजकल तो वीडियो कॉल्स भी हो जाते हैं ना। मगर सच तो ये है कि जब हम वर्चुअल दुनिया में मिलते हैं तो कुछ कमी तो रह जाती है। मेरी सोच के मुताबिक रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत है एक दूसरे की जिंदगी में शरीक होना। जब हम बात करते हैं लाइफ पार्टनर की, शरीक हयात की, तो इन रिश्तों की बुनियाद है एक दूसरे की जिंदगी में शामिल होना, एक दूसरे का हम सफर होना, इस जिंदगी के सफर में हम कदम होना। और जिस रिश्ते में ये सब है, वहां फिजिकल नजदीकियों और दूरियों का इम्पैक्ट खुद ब खुद कम हो जाता है।
अब कुछ और बातें नजदीकियों के बारे में। लोगों को अक्सर ये खुशफहमी रहती है कि नजदीक या पास रहेंगे तो सब ठीक रहेगा, और ये तो हम देख ही चुके हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। इनफैक्ट जहां नजदीकियां एक हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, उस रिश्ते में घुटन भी महसूस हो सकती है। बकौल उबैदुल्ला अलीम, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। हमारी बातचीत आगे बढ़ाने से पहले मेरे बेहद पसंदीदा शायर उबैदुल्ला साहब की इस गजल के कुछ अशआर। मिले हैं यूं तो बहुत, आओ अब मिले यूं भी, कि रूह गर्मिये अनफास से पिघल जाए। मोहब्बतों में अजब है दिलों को धड़का सा, कि जाने कौन कहां रास्ता बदल जाए। हर एक लहजा यही आरजू यही हसरत, जो आग दिल में है वो शेर में भी ढल जाए। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। एक बेहद खूबसूरत शेर सालिम सलीम का। वो कहते हैं, अपने जैसी कोई तस्वीर बनानी थी मुझे, अपने जैसी कोई तस्वीर बनानी थी मुझे, मेरे अंदर से सभी रंग तुम्हारे निकले। इतना खूबसूरत शेर, मोहब्बत की इंतहा। कितना रुमानी है, कितना रोमांटिक है। लगता है कि इससे ज्यादा मोहब्बत कोई कर ही नहीं सकता। मगर जनाब, मोहब्बत में ऐसी नजदीकियां जो खुद की पहचान तक मिटा दें, बहुत रोमांटिक तो जरूर लगती हैं, लेकिन एज अ साइकोलॉजिस्ट जो हमने देखा है, उससे ये लगता है कि मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सही नहीं। अब देखिए, तसव्वुर की दुनिया, इमेजिनेशन और फैंटेसी की दुनिया और हकीकत में फर्क तो है ना। शमशेर खान साहब का ये शेर हकीकत से जुड़ा है। वो कहते हैं, मोहब्बत का तकाजा है जरा दूरी रखी जाए, बहुत नजदीकियां अक्सर बड़ी तकलीफ देती हैं। मोहब्बत को अक्सर खुशबू या मुट्ठी में रेत के मेटाफर्स के साथ जोड़ा जाता है, शायद इसलिए क्योंकि ये दोनों ही हम जितना समेटने की कोशिश करें उतना ही बिखर जाते हैं, हाथ से निकल जाते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं, मैंने इतना उसे चाहा है कि वो जाने मुराद, खुद को जंजीर मोहब्बत से रिहा चाहती है। रिश्तों में घुटन अक्सर हमें ये कहने पर मजबूर कर देती है, मुझको मत बांध वफादारी की जंजीरों में, मुझको मत बांध वफादारी की जंजीरों में, मिसले बादल हूं भटक जाने का इल्जाम न दे। मेरा ये शेर खवातीन की नजर है, क्योंकि जब कोई खातून रिश्तों में स्पेस मांगती है तो अक्सर उसके कई नेगेटिव मानी निकाले जाते हैं, मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। कोई कहता है शायद वो एक मुकम्मल औरत ही नहीं है, कोई सोचता है उसकी मोहब्बत में कमी है, या फिर उसे रिश्तों की कद्र नहीं है। और अक्सर जो मैं सुनती हूं वो ये कि वो बहुत सेल्फिश है, जो खुद को रिश्तों के ऊपर रखती है।
मगर सच तो ये है कि हर इंसान एक पर्सनल स्पेस मांगता है और ये चाहिए भी। हेल्दी रिलेशनशिप्स में ये स्पेस हमेशा देखने को मिलती है। तो ये याद जरूर रखें कि नजदीकियां भी एक हद तक ही अच्छी लगती हैं। जुनूनी मोहब्बत, टू मच ऑफ पोजेसिवनेस, दूसरे के हक और अपनी हद से नावाकिफ होती है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि नजदीकियों की मिठास को कहीं अना यानी के ईगो कम ना कर दे। इस नसीहत से जुड़ा सलीम कौसर साहब का एक बेहतरीन शेर, वो कहते हैं, कुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद थे, कुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद थे, कितनी आजादी से हम अपनी हदों में कैद थे। न जाने कितने ही मोहब्बत करने वालों के दिल में आया एक सवाल एक शेर के जरिए, तुम्हें हमसे मोहब्बत है, हमें तुमसे मोहब्बत है, तुम्हें हमसे मोहब्बत है, हमें तुमसे मोहब्बत है, अना का दायरा फिर भी हमारे दरमियां क्यों है। मैं समझती हूं कि रिश्तों की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है बैलेंस, तवाजुन, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, फिर वो चाहे नजदीकियां हों या दूरियां। फराज साहब कहते हैं, कुर्बतें लाख खूबसूरत हों, दूरियों में भी दिलकशी है अभी। जी हाँ, कुछ नजदीकियां हों तो तहफ्फुज का एहसास दिलाती हैं और कुछ दूरी हो तो अपने वजूद का एहसास कायम रहता है। और वैसे भी दूरियां और नजदीकियां तो महसूस की जाती हैं और महसूस करना काम है दिल का। बकौल जानिसार अख्तर, मैं तुमसे दूर रहता हूं तुम मेरे साथ रहती हो, मैं तुमसे दूर रहता हूं तुम मेरे साथ रहती हो, तुम्हारे पास आता हूं तो तन्हा हो सा जाता हूं, तुम्हारे पास आता हूं तो तन्हा हो सा जाता हूं। आदाब। शायराना गुफ्तगू का सिलसिला।